आराध्य देव जम्बेश्वर भगवान की, शहीद अमृता देवी अमर रहे, 363 अमर रहे। मंच पर हमारे सभी को आशीर्वाद देने पधारे हमारे महाराज रामानंदन जी, मैं आपको आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। यहाँ आज मंच पर विराजमान संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान मलखान सिंह जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी, और जोधपुर से पधारे विधायक साहब अतुल बंसाली जी, विधायक फलोदी पब्बा राम जी, अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र जी, पूर्व विधायक बिहारी लाल जी, पूर्व विधायक विजय लक्ष्मी बिश्नोई जी, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जी, हमारे स्थानीय सरपंच बरजू देवी जी, भागीरथ जी जो भागीरथ बेनीवाल जी, पूर्व प्रधान अनंत राम जी जो प्रदेश मंत्री हैं, रुमा देवी जी जो बाड़मेर से पधारी हैं, और इंदिरा जी जो मुझे वहाँ जयपुर में बुलाने के लिए विशेष आप पधारी थी, सुमित्रा जी प्रधान जी, विक्रम सिंह जी उप जिला प्रमुख व सम्मानित मंच, क्योंकि मंच पर सभी विश्नोई समाज के हमारे वरिष्ठ जन हैं, और यहाँ आज इस बड़े इतने भव्य आयोजन में पधारे हुए सभी समाज के बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति और सभी यहाँ विराजमान अतिथिगण, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने मुझे आप लोगों के बीच इतने आज महत्वपूर्ण दिन और इतने महत्वपूर्ण कार्य में आपने आप लोगों के बीच आने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं इस धरती को भी नमन करती हूँ जहाँ हमारी अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ 363 हमारे शहीदों ने अपने प्राणों का त्याग दिया था, और पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने अपने प्राण के बिल्कुल बिना किसी और अपने बारे में सोचे, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये सोचा कि मुझे पर्यावरण को बचाना है। अगर पेड़ है तो जल है, और जल है तो जीवन है, और ये बात हमको आज समझ में आई है। उन्होंने आज से लगभग 300 साल पहले ये कार्य किया था, उस समय किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन आज ये बात हमको समझ में आई है। मैं आपको कहना चाहूंगी, ऐसे आपके उन्होंने जो उस समय जो उन्होंने कार्य किया, अपने प्राणों की आहुति दी, इस कार्य को हमको भूलना नहीं चाहिए। आज विश्नोई समाज ने उस समय से लेकर आज तक आपने हर परिस्थिति में, चाहे हम पर्यावरण की बात करें, हम बात करें वन जीव की बात करें, हम बात करें पेड़ों की बात करें, हर प्रकार से आपने हर चुनौती का सामना किया है। हर परिस्थिति में आपने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, आपने सोचा है पर्यावरण के बारे में, आपने सोचा है पृथ्वी के बारे में, और ये सबसे बड़ा योगदान है आपका, और ये सिर्फ समाज का नहीं, आपने पूरे हम सबके लिए ये कार्य किया है, सिर्फ एक अपने समाज के लिए नहीं, आपने हर समाज के लिए ये काम किया है। आज हर समाज आपका आभारी है। मैं आपको अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि आज बहुत सारी बातें इस पूरे मंच ने मेरे सामने रखी हैं, मैं पूरा आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बार जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि इस बार बजट में भी हमने इतनी बड़ी बात
कि हम यहाँ पर अमृता देवी स्मारक बनाएंगे, इसकी स्थापना करेंगे और ये भव्य स्मारक होगा। इस स्मारक में कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कहीं भी कोई भी प्रकार से इसको और भव्य बनाने की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल ये सरकार बनाएगी। आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात रखी और वो महत्वपूर्ण बात मैं तो कहूंगी कि बात रखने की आवश्यकता भी नहीं है, ये कर्तव्य है सरकार का और आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। आपने कहा कि एक फोर लेन की यहाँ सड़क की आवश्यकता है, तो मैं आज आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ और घोषणा भी करती हूँ कि यहाँ पर फोर लेन की सड़क बनेगी। जोधपुर से खेजड़ली से हमारी जाडन तक ये सड़क बनने की मैं घोषणा करती हूँ और इसका नाम भी शहीद अमृता देवी विश्नोई होगा। हम सभी चाहे हमारी सरकार, अब सब जानते हैं डबल इंजन की सरकार है और हम ये भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के लिए हमेशा चिंता भी करते हैं और जो भी वो काम करते हैं कि वो जो उन्होंने बाहर के देशों में भी जाके जो वो कहते हैं कि हमको पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है, वन्य जीवों को बचाना है और हर प्रकार से इस सृष्टि को सुरक्षित बनाना है। 2047 में जो विकसित भारत बनेगा उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा पर्यावरण का। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज से हर व्यक्ति इसकी चिंता करे। जो लक्ष्य हमारे सामने किया रखा था उस समय अमृता देवी विश्नोई ने और उनके साथ 363 शहीदों ने उस समय जो किया था, वो आज भी हमको याद रखना है। और कभी भी हमारे पर्यावरण में कोई भी अगर आंच आती है, कोई भी अगर कोई ऐसा होता है कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा, वन्य जीवों की हत्या हो रही है, उस समय हमको खड़ा होना है और हमको बचाने का पूरा प्रयास करना है। ये हम सभी का कर्तव्य है। मैं समाज का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग यहाँ, एक तो इतने बड़े मेले के आयोजन में आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और समाज का जो इतना बड़ा योगदान है पर्यावरण की ओर, जो आप लोग चिंता कर रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा काम है जो सिर्फ आज ही नहीं, आज से आगे वाले 100, 200, 300 साल तक ये योगदान आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भविष्य के लिए जो आप आज काम कर रहे हैं, जो उस समय अमृता देवी जी ने नींव रखी थी, उस नींव को आज आपने वटवृक्ष बना दिया और आगे आने वाले समय में भी आप इसका पूर्ण रूप से संरक्षण करेंगे। तो मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। यहाँ जो सभी जनप्रतिनिधि हैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने बड़े आयोजन में मुझे आमंत्रित किया और मुझे आज इतना मान सम्मान आपके समाज के द्वारा प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। शिक्षा के लिए भी कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आपने रखी थी, मैं पूरा प्रयास करूँगी कि हम सब मिलकर मुख्यमंत्री जी के सामने, हमारे विधायक साहब, मैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण इस बात को पूरी तरह से रखेंगे और हम सबको विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आपके सारे काम करेंगे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं बचेगा जो आपका काम नहीं होगा, सारे कार्य होंगे। हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास में हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छा विकास हो। मैं एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ।